हम लोगों को कोई पीछा कर रहा है। भाईजान पीछा कर रहा है। भाई भाईजान रुकिए 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 भाईजान, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाईजान रुकिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोल बे, क्या बताना चाहता है? चांद बाबा के सब आदमी लोग मुहर्रम की ताजिया लेकर जाएंगे कल। चांद बाबा ठिकाने पर अकेला रहेगा, एकदम निहत्था। उसको मारने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन तू कौन है बे? भाईजान भाईजान, ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है। आप हमारी बात को विश्वास कीजिए, आप काम को अंजाम दीजिए। भाईजान चल निकल। राजू। हाँ भाईजान। तुमको क्या लगता है, ये साला सच बोल रहा था या झूठ? पता नहीं भाईजान, सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन ये है कि हर साल मुहर्रम के जुलूस में चांद के आदमी जाते जरूर हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि चांद अकेला। ये भी है, मगर इतना सोचना क्यों? जब साला विदेशी वाला अपने पास आ रहा है, दो चार साला वहीं निपटा देंगे। इसकी माँ का जो होगा देखा जाए। चलो दद्दा, ये काम ठीक है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। मस जाल फेंको और मछली पकड़ो। मगर दद्दा, हमेशा गिरेगी वहां लगती है, ये नहीं कभी पड़ना भी हाथ लग जाए। लगी है वो जाल, तनी लंबे फेंको। लगी है कहा ना? दद्दा, दद्दा, का हुआ बे? काहे पड़वा इतना चिल्ला रहा है? लगता है बड़ा मतलब फंस गया है। रुक जा, आवत है, आवत है। उठा उठा, आगे से पकड़, आगे से, आगे से। उठा, उठा। अरे उठा 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 उठा, कलवा पेड़ वाली ताकत लगा। लगता है आज बहुत बड़ा खजाना हाल लगा है। अबे ये का बकासीर है?
चेक कर, शायद शाम को खाने पीने का कुछ जुगाड़ हो जाए। दद्दा ई का है? अरे साला ये तो आशिक है। दद्दा इस साला मामू ने धोखा करने आ रहे हैं। धत तेरी की, अब आया ये जल्दी ले, जल्दी ले, जल्दी ले। ए यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर। क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? हम लोग यहाँ मछली पकड़ने आए हैं। मछली पकड़ते हो या दारू सप्लाई करते हो? नहीं साहब, हम लोग तो मछुआरे हैं, यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। वाजपेयी उठा इन सालों को, ले चलो थाने। ये कौन है? अरे इनकी बुआ का लड़का है, इसको भी उठाओ चलो। अरे साहब इधर एक मिनट, एक मिनट साहब, ये तो जानने वाला निकला अपना। हम सोच रहे हैं कि सुनो, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाना चांद बाबा के ठिकाने पर, वरना समझ लेंगे पूरे मोहल्ले का योगदान है तुमको पैदा करने में। चलो रे। अब क्या करें भाईजान? चलेंगे, जरूर चलेंगे और इसका जवाब भी देंगे।
तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं।